अगस्त के दिन आप देखिए देश भर में डॉक्टरों का प्रदर्शन होता है, हड़ताल होती है, इंसाफ की मांग होती है। 16 अगस्त को पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से 13 घंटे लगातार पूछताछ होती है। 17 अगस्त के दिन पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से 12 घंटे पूछताछ होती है और लगातार देखिए देश भर के डॉक्टरों ने हड़ताल की मांग की और ये कहा कि हड़ताल तब तक चलती रहेगी जब तक कि इंसाफ नहीं मिलेगा। इसी बीच अगली खबर सृष्टि आपको बताएंगी। बिल्कुल, और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इसी मामले से जुड़ी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा वार किया है ममता बनर्जी पर और साफ कहा है कि कानून व्यवस्था ममता सरकार से संभल नहीं रही है। इसी तरीके के हालात रहे तो बंगाल बांग्लादेश बन जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये गिरिराज सिंह ने बड़ा प्रहार किया है ममता बनर्जी के ऊपर। कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने बड़ी बात कही है कि ममता बनर्जी से कानून व्यवस्था बंगाल की संभलती हुई नजर नहीं आ रही है। जिस तरीके के हालात अभी यहाँ पर बने हुए हैं, आप खुद सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं गिरिराज सिंह। तो आश्चर्य होता है, ये मुख्यमंत्री कहां उतरी? बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर खराब है, वो हेल्थ मिनिस्टर है, वो लॉ एंड ऑर्डर के मालिक है, उनकी सरकार है, किसके खिलाफ? अगर ये नौटंकी है, अगर नहीं संभल रही है तो इस्तीफा दे देनी चाहिए। गुंडे इनके, सरकार इनकी, नौटंकी इनका, रोड पर किसको दिखा रही है? देश का दुर्भाग्य है अगर ममता बनर्जी अगली बार इनकी सरकार नहीं हटी तो बंगाल के अंदर दूसरा बांग्लादेश होगा। तो देखिए आपको बता दें, बंगाल में पीड़ित डॉक्टर को लेकर जमकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। सत्ता पक्ष को लेकर विपक्ष कह रहा है कि इसकी भूमिका संदिग्ध है, तो वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष को लेकर कहा कि इस पूरे मामले में जमकर सियासत की जा रही है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। ट्रेनी डॉक्टर से हुई दरिंदगी से पूरा देश हिल गया है। इस जघन्य अपराध की जांच कर रही सीबीआई जैसे जैसे आगे बढ़ रही है उससे हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में हुई इस घटना ने ममता सरकार को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। बीजेपी तो पहले से ही ममता सरकार को इस मामले में लापरवाही को लेकर घेर रही थी। अब पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने भी राज्य सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने तो यहाँ तक कह दिया है कि बंगाल में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है, सब कुछ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एकदम उल्टा पुल्टा हुआ है। उसका उत्तरदायित्व किनको है? पुलिस मिनिस्टर। पुलिस मिनिस्टर कौन हो? चीफ मिनिस्टर। सो इसका पूरा उत्तरदायित्व चीफ मिनिस्टर को है। हेल्थ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, ये तीनों में एक ही आदमी है, ममता बनर्जी। सो उसके पूछने है क्या हो रहा है? लोगों को जस्टिस चाहिए, नीति चाहिए, न्याय चाहिए। देने वाला कौन हो? देने वाला मुख्यमंत्री हो। बंगाल गवर्नर यही नहीं रुके, उन्होंने एक के बाद एक ममता सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। गवर्नर सीवी बोस ने सीधे शब्दों में कह दिया है कि बंगाल में गुंडों को लोकल राज्य सरकार से हिम्मत मिल रही है। यही वजह है कि आरजीकर अस्पताल में जब गुंडे आए तब अस्पताल में कंट्रोल रूम था लेकिन पुलिस का कंट्रोल नहीं था। पुलिस राजनीतिक दबाव में है और एक गुंडों के साथ है। बंगाल गवर्नमेंट को परेशानी औरतों से कोई ममता नहीं है, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गए। इस हॉस्पिटल में आरजीकर हॉस्पिटल पुलिस कंट्रोल रूम था पर पुलिस को कंट्रोल नहीं था, गुंडा राज था। बंगाल के राज्य
राज्यपाल सीवी बोस ने गृह मंत्रालय को पूरे हालात से अवगत कराने की बात कही है। उधर गृह मंत्रालय भी कोलकाता रेप एंड मर्डर केस को लेकर एक्शन में है। एमएचए ने सभी राज्यों से हर दो घंटे में कानून व्यवस्था पर रिपोर्ट मांगी है। एमएचए ने इस मामले में सीधे डीजीपी को आदेश जारी कर दिया है। उधर कोलकाता की घटना को लेकर बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने कोलकाता पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुवेंदु अधिकारी का कहना है कि कोलकाता पुलिस ने मृत डॉक्टर का विसरा बदल दिया है। ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर में कई आरोपी शामिल हैं, लेकिन पुलिस कमिश्नर इन आरोपियों को बचा रहे हैं। यही वजह है कि कोलकाता पुलिस ने खून के सैंपल समेत कई सबूत बदल दिए हैं। यहाँ तक कि वॉश बेसिन को बदल कर नया लगा दिया गया है। सुवेंदु अधिकारी ने तो यहाँ तक आरोप लगा दिए हैं कि डॉक्टर का मर्डर कहीं और किया गया और शव को सेमिनार हॉल में रख दिया गया। कोलकाता रेप कांड में बंगाल पुलिस ने जिस तरह से हीला हवाली की, उससे सीधे ममता सरकार और बंगाल की कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है। ऐसे में अब देश की उम्मीद सीबीआई से जुड़ी हुई है कि पूरे मामले की सच्चाई देश के सामने आ जाए। अब सवाल ये है कि क्या ममता सरकार ने जानबूझकर इस मामले में लीपापोती की? क्या कोलकाता में जो कुछ हुआ वो ममता सरकार की शह पर हुआ? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे उदयपुर कांड की, जिसे लेकर राजस्थान की सरकार बेहद सख्त नजर आ रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, उदयपुर चाकूबाजी मामले को लेकर राजस्थान के शिक्षा मंत्री की ओर से बड़ा बयान दिया गया है और उस पूरी घटना को शिक्षा मंत्री ने बेहद निंदनीय बताया है। जिस तरीके से उदयपुर में एक स्कूल के भीतर दसवीं के छात्र ने चाकूबाजी की, एक दूसरे छात्र पर हमला कर दिया, किस तरीके की नफरती मानसिकता को यहां दर्शाया गया, सरकार बेहद इस मामले को लेकर सख्त है। मदन दिलावर जो कि शिक्षा मंत्री हैं, उनकी ओर से साफ कहा गया कि यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण रही है और घटना की जितनी निंदा की जाए उतना कम है। सर, जिस तरीके की घटना उदयपुर के स्कूल में हुई, सरकारी स्कूल में, एक बच्चा चाकू लेकर के आता है और बताया जा रहा है करीब 6 महीने से वो चाकू लेकर के आ रहा था, घूम रहा था, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, मैं उसकी निंदा करता हूँ और हम आगे से ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी इस प्रकार का धारदार हथियार, नकुला हथियार जिससे बच्चों को नुकसान हो सकता है, ऐसा कोई भी वस्तु हम विद्यालय में नहीं ले जाने देंगे। हमने सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिया है, आदेश जारी कर दिया है। लेकिन बच्चे की ये भी ज़्यादा जरूरी है कि उसका बैकग्राउंड भी समय समय पर पता करें कि वो किस मानसिक लोगों के साथ में रह रहा है या किस तरीके से चीज़ें। देखो, ये सब परिवार से सीखते हैं। जो असंस्कारित लोग हैं, असंस्कारित परिवार है, जो निकम्मे परिवारों से बच्चे आते हैं, वो इस प्रकार के वातावरण में रहते हैं, घर में ऐसी बातें सुनते रहते हैं, ऐसी चर्चाएं सुनते रहते हैं, ऐसे घर वाले ऐसी बातें करते रहते हैं, जिनके संगत में रहता वो ऐसे ही लोग रहते हैं, तो फिर उसके मन में यही घूमता रहता है और इसलिए ऐसी दुर्घटनाएं होती है। तो मैं समझता हूँ कि माँ बाप को अपने